Hello dear students, today we are starting math subject of class 4. So if you are watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue. Yes students, in my previous video we have completed lesson number 4 and today we are going to start lesson number 5, which name is factors and multiples. So factor means gunakhand and multiples means hota hai gunas. तो इसका जो हिंदी नेम है गुणनखंड और गुणज. अब ये होते क्या हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं बच्चों. फैक्टर्स क्या है, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, ईच ऑफ द नंबर इज सेड टू बी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट. बच्चों जब दो नंबर की मल्टीप्लाई आपस में की जाती है तो प्रोडक्ट के यानी जो दो नंबर्स हैं इनकी हमने मल्टीप्लाई की थी वह फैक्टर कहे जाते हैं जो प्रोडक्ट आता है उसके. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 × 5, तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 आया है, तो बोथ 3 और 5 आर फैक्टर ऑफ 15. तो 15 के 3 और 5 क्या फैक्टर हैं, ठीक है ना. अगर हम 3 × 5 करेंगे तो 15 आएगा और 3 और 5 15 के क्या होंगे, फैक्टर, ठीक है. और 15 इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ 3 और 5, और बच्चों 15 3 और 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है. लेट अस डिवाइड 15 by 3 and 5. तो बच्चों 15 को हमने 3 से डिवाइड किया 5 आया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया. दस ए नंबर विच डिवाइड्स अदर नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड इज फैक्टर. यानी यह भी कहा जाता है यदि नंबर दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है तो वह उसका फैक्टर होता है. यहां पर 15 को 3 से डिवाइड कर दिया गया है, यानी पूरा डिवाइड हो गया है 3 से तो 3 फैक्टर है. 5 से भी 15 पूरा डिवाइड हो गया है तो 3 फैक्टर है. अब आते हैं हम नॉर्मल सी बात पर, ठीक है. अब मान लीजिए बच्चों हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. किसके फैक्टर फाइंड करने हैं, 20 के. वी आर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 20. अब बच्चों 20 जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वह सारे नंबर 20 के फैक्टर होंगे. नॉर्मल सी बात का ध्यान रखनी है, दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाती है वह सब उसके फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे 20, अब 20 किस किस से डिवाइड हो जाता है, देखो जो प्रत्येक नंबर वन से तो डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है, ये होता है फैक्ट, ठीक है. तो 20 वन से डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा तो 120 तो उसके फैक्टर होंगे ही होंगे, 1 और 20 उसके फैक्टर होंगे होंगे. चलिए इसे भी छोड़ दीजिए, अब 20 किस किस से डिवाइड है ये बात करते हैं. तो 20 बच्चों 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 10 से डिवाइड है और 20 से डिवाइड है. तो बच्चों 1, 5, 10, 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20. 1, 5, 10 और 20 20 के फैक्टर हैं. कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं. कौन कौन से, 1, 5, 10 और 20. क्लियर हो गई बात. बात करते हैं 15 की. अब 15 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं तो 15 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और जी 5 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है. तो 15 के क्या फैक्टर हो गए, 1, 3, 5, 15, ये सब 15 के फैक्टर्स हैं. क्लियर हो गई. अब मल्टीपल्स की बात करते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं बच्चों. मल्टीपल्स बच्चों मल्टीप्लाई करने पर आते हैं. कब आते हैं, मल्टीप्लाई करने. जैसे हमें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, सिंपल सी बात कहता हूँ कि हमें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं. कितने, 4 मल्टीपल्स निकालने हैं. निकाल लो, हम कितने भी निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, 20 निकाल सकते हैं, ठीक है. लेकिन हमें 4 ही निकालने हैं. तो पहले हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 × 2 = 10, 10 हो गया एक. फिर 5 की 3 से करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 हो गया. और फिर हम जो है 5 की 4 से करेंगे, 5 × 4 = 20, 20 हो गया. यानी 10, 15 और 20 वह 5 के क्या है, मल्टीपल्स हैं. तो मल्टीपल्स कैसे आते हैं, मल्टीप्लाई करके. फैक्टर क्या होते हैं, यानी दिए गए नंबर को जो भी संख्याएं काट देती हैं वो सब संख्याएं उसकी फैक्टर्स कहलाती हैं. क्लियर हो गया. आगे चलते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या डिवाइड हो सकती है. नंबर 2, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ. यानी प्रत्येक नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वह खुद नंबर ही होता है, क्योंकि 20 मैंने बताया था 20 से पूरा कट जाएगा, यानी 20 भी क्या फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम उसको किसी से नहीं काट सकते हैं. उसके बाद है
नंबर टू, द फैक्टर ऑफ नंबर आर इक्वल टू और लेस देन द नंबर, यानी जो नंबर्स के, जो नंबर के फैक्टर होते हैं वह या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे है, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज जीरो, यानी जब एक संख्या को डिवाइड किया जाता है उसके फैक्टर से तो रिमाइंडर जीरो आता है। तो ये एक फैक्टर बच्चों, ये भी, यानी अगर हम फैक्टर से, यानी किसी नंबर के फैक्टर से उसको डिवाइड करेंगे नंबर को तो जीरो आएगा 100%। ठीक है ना, जैसे 16 का फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड करने पर 8 आया तो रिमाइंडर तो जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, स्टडी कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, मल्टीपल्स मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, मल्टीपल्स में बता चुका हूं। अब जैसे बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स देख लेते हैं, ए नंबर कैन हैव इनफाइनाइट मल्टीपल्स, यानी एक नंबर के अनंत मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था कितने भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ वन, और प्रत्येक संख्या, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन, प्रत्येक संख्या वन का मल्टीपल होती है। एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट स्मॉलेस्ट, एंड फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, यानी जो सबसे पहला और सबसे छोटा मल्टीपल्स होता है नंबर का वह वो खुद होता है। ए मल्टीपल ऑफ नंबर इज एक्टिव डिवाइडेड बाय 8, और बच्चों किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वह नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, और बच्चों प्रत्येक मल्टीपल किसी भी नंबर का वह या तो उससे बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, आगे बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।